वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला अपने चैनल नूं सबसक्राइब कर दो, ते जेकर वीडियो वधिया लगेगी ते इस नूं लाइक ते शेयर जरूर कर देना। अते एक सारयां दे अगे हाथ जोड़ के बेनती है कि वीडियो नूं अंत तक जरूर देखिया करो, क्योंकि पता नहीं किहड़ी गल दी अपने मन नूं ठोकर वजे ते अपना मन उस वाहिगुरु अकाल पुरख नाल जुड़ जावे। ते आओ अज दी वीडियो शुरू करते हैं। इस संसार विच, इस दुनियादारी दे विच आपां नूं कुजरा जिन्नी वी गल कह लवे ते आपां नूं बड़ा ही दुख हुंदा उस गल दा। मन दे उत्ते बड़ी डूंघी सट वजदी आ कि मेरे किसे अपने ने मैनूं इह गल क्यों कह दित्ती। पर पातशाह जी कहिंदे आ कि मन मुखा केरी दोस्ती, माया का संबंध, वेखदियां ही भज जाण कदे ना पायन बंद। जिचर पहनन खावन तिचर रखन गंड, जित दिन कुछ न होवे तित दिन बोलन खांद। मेरे वाहिगुरु जी कहिंदे कि इस संसार दे विच जो भी आपां सज्जन मित्र जां रिश्तेदार बनाए आ, इह सिर्फ उन्नी देर तक आ जिन्नी देर तक आपां उन्हां दी जी हजूरी करदे आ। पातशाह जी फरमाउंदे आ कि संसारक दोस्ती, मित्रता, रिश्तेदारी इस नूं तूं सच्ची मित्रता ना समझ। इह दोस्ती मित्रता सिर्फ उन्नी देर तक है जिन्नी देर तक आपां किसे दी हां विच हां मिलाउंदे आ, उन्हां नूं खाण पीण नूं पहनन नूं भाव कि जिन्नी देर तक उन्हां दे सारे स्वार्थ पूरे करदे आ उन्नी देर तक साडे नालों चंगा बंदा कोई नहीं हुंदा। जिस दिन तुसीं अपना हथ पिछे खिंच लिया तां वेखणा जिहड़े थां थां ते अपनियां वडियाईयां करदे सी उह थां थां ते जाके अपनी बदकोई करनगे। पातशाह जी कहिंदे मनमुख दी दोस्ती सिर्फ माया करके आ, अपने स्वार्थ करके आ। जिस दिन कोई मुसीबत दी घड़ी आ जावे, कोई भी औखी घड़ी होवे ते इहो जे दोस्त मित्र रिश्तेदार सब साथ छड्ड जांदे आ। पर इत्थे इह गल अपने आप लई वी टुकदी आ, जिन्हां तों आपां दुखी हो रहे आ आपां उहनां नूं पता नहीं किन्ना कु दुखी कीता होवेगा। कहिंदे ने कि इह तां हत्थों हत्थ ही आ। पातशाह कहिंदे जिथे स्वार्थ हुंदा है उथे विश्वास नहीं हो सकदा। तां ही तां मेरे पातशाह जी कहिंदे आ कि तूं झूठी मोह माया विच ना फस, किसी ने भी साथ नहीं देना। औखी घड़ी विच सिर्फ उस वाहिगुरु अकाल पुरख ने सहाई होना। अज दा जो भयानक समां चल रिहा है इस विच बहुत घट विरले मनुख होणगे जो विश्वास दे पात्र होणगे, जिन्हां उत्ते मेरे वाहिगुरु जी दी कृपा होवेगी। क्योंकि वाहिगुरु दी कृपा तों बिना विश्वास, दया, प्रेम दी भावना कदे उत्पन्न ही नहीं हो सकदी। जिन्हां मनुखां दे हिरदे विच मेरे वाहिगुरु जी दा नाम होवे, जिन्हां नूं मेरे वाहिगुरु जी ते भरोसा होवे, उह मनुख ही यारी दोस्ती निभा सकदे आ। इह गल वी सच आ कि सारी दुनिया वी इक्को जिही नहीं हुंदी। कईआं दे उत्ते मेरे वाहिगुरु जी दी इन्नी कृपा हुंदी आ कि उह अपना आपा वार दिंदे आ, पर बहुत घट बड़े विरले मनुख। जदों आपां इन्हां सारियां गल्लां बारे जाणदे आ, इह दुनियावी रिश्ते नाते पता आपां नूं इन्हां ने साथ नहीं निभाउणा, तां फिर आपां इन्हां पिछे अपना समां बर्बाद क्यों कर रहे आ। मोह माया विच पै के इहो जिहे कर्म कांड कर रहे आ कि दिनों दिन साडी पापां दी गंढ भारी हुंदी जा रही है। क्योंकि जो कर्म कांड करके आपां इन्हां नूं खुश कर रहे आ, अंत विच खुश इन्हां ने भी नहीं होणा ते असीं अपना वाहिगुरु वी नाराज कर लैणा। ते आओ इन्हां दुनियावी रिश्तियां वस्तुआं दा मोह त्याग के अपने सच्चे गुरु दे लड़ लगीए, गुरबाणी पढ़ीए, सुणीए अते विचारीए। क्योंकि ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤਪਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਂਹ ਛੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਝੱਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਫੜ ਲਵੇ ਉਸਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸਵਾਮੀ ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਆਓ ਉਹ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਬਣੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਪਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਰੀਏ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।